Hello students, welcome to my YouTube channel. इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप अपना एग्जाम बुक कैसे कर सकते हो, मतलब कितनी देर में बुक कर सकते हो, अपने आप को कैसे जज करने लग जाओगे कि यार मैं अभी एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं। देखो गाइस, मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं 3 हफ्ते में रेडी हो जाऊंगा, मेरी मैक्सिमम जो कोचिंग होती है वो सिर्फ 3 हफ्ते ही होती है। वो कहता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को पीटी की नॉलेज भी नहीं है, और मैं कैसे सोच पाऊंगा कि यार मेरा ये जो अचीवमेंट है 6 ईच 7 ईच या 8 ईच की हो सकती है। हम स्टार्ट करते हैं 3 वीक्स के, आपका चाहे लेवल 0 है, कुछ भी है, 6 ईच और 7 ईच को लेने के लिए हम सिर्फ 3 हफ्ते की कोचिंग देते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, अगर ज्यादा ही बुरा हुआ तो उसको 1 या 2 हफ्ते और लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन हम महीनों में काम नहीं करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे 1 मंथ की फीस बताओ, हमारा मंथली सिस्टम है ही नहीं। मैं 5 साल हो गया हूँ कोचिंग देते हुए, 2017 से मैंने कोचिंग स्टार्ट की है, यकीन मानो मैंने पहले शुरू की थी 4 वीक्स से, मंथ का सिस्टम रखा ही नहीं मैंने, मैंने शुरू से ही बार वाला सिस्टम रखा हुआ है 4 वीक्स वाला। मैं पहले 4 वीक की कोचिंग देता था, फिर उसमें एडवांसमेंट करके अब हमने 3 वीक की कोचिंग की है, हमारी 1 वीक की भी चलती है, 2 वीक की भी चलती है, 3 वीक की भी चलती है, और अगर आपके पास टाइम कम है स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। अब देखो मैं आपके सामने एक प्लान बनाने वाला हूं, जो बच्चा फ्रेशर है वो अपना एग्जाम कौन सी डेट को बुक करवाए। देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका एग्जाम कब आपने बुक करना है। हम डे 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये हमारा डेट है, ये होगा हमारा एग्जाम डेट। अब मेरे पास बच्चे आते हैं बिना एग्जाम बुक करवाए हुए हैं, जब उनका मतलब हमें करना होता है कि अब आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो चुके हो, तब उनको डेट्स नहीं मिलती हैं। हमें एग्जाम डेट कब बुक करानी चाहिए? हमें एग्जाम डेट, मैं तो आपको ये कहूंगा, कोचिंग लेने से पहले बुक करवानी चाहिए या प्रिपरेशन करने से पहले बुक करवा लेनी चाहिए। आप अपने माइंड के अंदर पहले सोचो कि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर एग्जाम देना ही है। पीटी की कोचिंग ऐसी कोचिंग है कभी खत्म ही नहीं होगी, 1 महीना लगा लो, 1 साल लगा लो। मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं कि कहते हैं कि सर मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्या आपका भी यही हाल है? तो आप ये वीडियो पूरी देखना, स्टडी प्लान आपको बताने वाला हूं पूरा, 1 से लेकर 21 डेज, मतलब 3 वीक्स की स्टडी प्लान। 3 वीक के अंदर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो पीटीई की, बिल्कुल अच्छी वीडियो है आपके लिए। आप आज ही अपना दिन मान लो, फर्स्ट डे है। पहली बात तो ये कि हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, 2 दिन जो होते हैं वो सैटरडे संडे होते हैं, सैटरडे एंड संडे ये हम छुट्टी रखते हैं, फिर 2-3 दिन ये भी आ गए 2 दिन, सैटरडे एंड संडे हम इस दिन को बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ठीक है? ये आ गया सैटरडे एंड संडे, एंड में एग्जाम डेट आ गई। आप 21 डेज, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, आपको मैं ये बताऊं कि आप पहले आप अपनी एग्जाम डेट जो है ना वो सिलेक्ट करिए, अगर सिलेक्ट नहीं करोगे नहीं पता लगेगा। कोचिंग करते जाओगे, महीने लगाते जाओगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगी ना, तो भी आप यही कहोगे। मैं मानता हूं कि कई बच्चे ज्यादा 0 होते हैं, वो हफ्ता 10 दिन बाद अपना एग्जाम के बारे में सोचना शुरू कर दें, लेकिन 1 महीने से ज्यादा मत लगाओ, और 1 महीना इस तरह से डट जाओ मैं कहता हूं खत्म कर लो अपने आप को। ये तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 महीने लगाने हैं तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। देखो फर्स्ट डे में आपने क्या करना है, स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग के सारे मॉड्यूल्स आप कर लीजिए। सेकेंड डे में राइटिंग कर लीजिए, थर्ड में रीडिंग कर लो, सिर्फ इनके बारे में जानना है, फोर्थ में लिसनिंग कर लो, ठीक है? 1 वीक हमारा कंप्लीट हो गया, फ्राइडे को सारा कर लो, स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग
लिसनिंग। फर्स्ट वीक में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट है, और सैटरडे संडे आपने अगर ऑफ रखना है तो ऑफ रख लो, कई बच्चे नहीं रखते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं रखते हैं, तो अगर आप इन दो दिनों में पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि जो कोचिंग होती है वो हमारी ऐसे होती है। अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगता है ना तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, इससे भी अच्छा प्लान हम कोचिंग के अंदर देते हैं। ये तो मैं आपको वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूं ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सको। अगर आप इससे भी इंस्टेंट कोचिंग करना चाहते हैं वो आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो। सैटरडे को क्या करोगे, स्पीकिंग कर लो, राइटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, लिसनिंग कर लो। संडे को एक हफ्ते के अंदर आपको सारी चीजों के बारे में पता हो चुका हुआ है। अकेले अकेली चीज, टाइम मैनेजमेंट, कौन सी ट्रिक कैसे यूज करनी है, टेम्पलेट कैसे यूज करना है। अब हमें एक हफ्ता जो लगाया आगे वो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा से मतलब पढ़ने मत लग जाना स्पीकिंग में कौन सी चीज होती है, ये आपको सारे मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके फर्स्ट वीक में पूरा खत्म कर लो। अब आवर्स कितने लगाने हैं, देखो आवर्स आप दिन में 2 से 3 लगा सकते हो, बस 2 to 3 आवर्स फॉर स्पीकिंग। अब देखो फर्स्ट डे में आपने करना कैसे है, अब सेकंड डे में हमारी स्पीकिंग भी कवर है, राइटिंग भी कवर है, आप दोनों को कवर करो। 1 घंटा स्पीकिंग को लगाओ और 2 घंटे राइटिंग को लगा लो, या 1.5-1.5 घंटा लगाओ। सिर्फ आपने 2 to 3 आवर्स लगाने हैं और लगातार नहीं पढ़ना है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं लगातार पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे स्कोर आएंगे। नो, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक लेकर पढ़ना चाहिए। 1 आवर पढ़ा ब्रेक, 1 आवर पढ़ा ब्रेक। आप इसको कह सकते हो सुबह दोपहर शाम, जैसे मेडिसिन होती है ना पीटी की, हम डॉक्टर मेडिसिन देता है कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, उसी तरह इसी इसकी मेडिसिन है। जो जो मॉड्यूल होते गए उनको टाइम लगाते जाओ। अब थर्ड डे में मुझे रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो आपने 1 घंटा स्पीकिंग को, 1 घंटा राइटिंग को, 1 घंटा रीडिंग को। अब राइटिंग के अंदर टेम्पलेट को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप पहले दिन अपने आप को जज मत करो। और अगर हम बात करें आफ्टर फर्स्ट वीक, आपका ये फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका हुआ है जिसके अंदर आपने सारी प्रिपरेशन कर ली हुई है, आपने सेकंड डे में क्या करना है, आप अपना ये देखिए कि मुझे टेम्पलेट जो है वो सारे याद हो चुके हुए हैं। अभी भी हमने प्रिपरेशन करना शुरू नहीं की, अभी हम सीख रहे हैं। जितनी देर तक बेस क्लियर नहीं होगा उतनी देर तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। देखो पूरा फुल वीक हमने लगा दिया, इसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे हैं। हर हालत में आपको पहले 7 डेज में सारी ट्रिक्स, सारे टेम्पलेट याद होने चाहिए, हर हालत में, अगर आपने वाकई में जल्दी पेपर देना है, ठीक है। अब 8th डे में हमारे पास टेम्पलेट भी आ गए, ट्रिक्स भी आ गए, और आपने क्या करना है, सबसे पहले करना है तैयारी लिसनिंग की। लिसनिंग की तैयारी इसलिए करनी है, अगर आपकी लिसनिंग इंप्रूव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मेरे जो वीडियो देखते हैं लोग पंजाब से, अलग अलग रीजन से देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जिनके घर में इंग्लिश का माहौल नहीं होता है, उनको इंग्लिश बोल तो सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए, लेकिन हम लिसनिंग को सुन नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपने तैयारी करनी है लिसनिंग की। हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो 2 से 3 घंटे के लिए होगा। आपने ये नहीं है कि एक दिन में सिर्फ लिसनिंग ही करनी है, आपने अपने इसके साथ साथ लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग करनी है। 2 से 3 घंटे, मैं पहले से बता रहा हूं, हमने 2 से 3 घंटे लगाने हैं, ब्रेक लगाकर लगाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इंप्रूवमेंट होगी, फिर उसके बाद राइटिंग एंड रीडिंग करोगे। अब रीडिंग को आपने खुद जज नहीं करने लग जाना, जरूरी नहीं है कि ये आज आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही हुए हैं तो कल भी आपके 5 में से 4 हों, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमने जजमेंट नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और फिर आगे आता है रीडिंग एंड राइटिंग। फिर रीडिंग राइटिंग 2 दिन लगातार करोगे, स्पीकिंग लिसनिंग और हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब दूसरे वीक तक हमारी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी हुई है कि अब हमें लगने लग गया है कि यार हमारा जो लेवल है वो अप हो चुका हुआ है। फर्स्ट वीक में हमने सारा सिलेबस को कंप्लीट किया था, सेकंड वीक में हमने सारी तैयारी कर ली थी ट्रिक्स वगैरह के ऊपर। अभी भी कई बच्चों का लेवल अप नहीं होगा, 60-70% तक आपका लेवल अप हो चुका होगा, आपको पता लग चुका होगा कि मुझे करना क्या है, कॉमे की मिस्टेक होगी, ये होगी होगी। लास्ट वाला जो वीक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खास तौर के ऊपर मैं 20th डे को पहुंचूंगा कि 20th डे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसी दौरान आपके कई फ्रेंड्स वगैरह आपको मिलेंगे, कई कहेंगे कि तू ये वाला टेम्पलेट यूज कर ले, कोई तू ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। आपको जो टेम्पलेट आपके टीचर ने दिया हुआ है आप वही टेम्पलेट का इस्तेमाल करो, सिंपल सी बात है। ज्यादा हाथ पैर मारोगे जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा।
तो आपने अपने टीचर के ऊपर पूरा बिलीव रखना है, ठीक है। तो अब इन दिनों में आपने करना क्या है, इन्हीं को रिपीट करो जो सेकंड वीक है। इसी तरह हम करेंगे सेकंड वीक को ही, मतलब एट्थ डे में स्पीकिंग और लिसनिंग, और सैटरडे वाला दिन कभी भी आपने अपने आप को जज नहीं करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट देना है तो संडे सैटरडे संडे के बीच में कोई दे दो, फर्स्ट वीक में मॉक टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट वीक में तो आप जस्ट क्या करोगे, आप अपने आप को जज करोगे। अगर फिर भी देना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मेरी वेबसाइट है nikhilpt.com, वहां पर जाकर आप nikhilpt.com वहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो, सिर्फ $25 में मिलेगा आज की डेट में। आपको 3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 3 मॉक टेस्ट प्लस 1 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो, 4 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। हर वीक में आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, हर वीक में आप मॉक टेस्ट दीजिए, और कभी भी आप अपने आप को मॉक टेस्ट के बेसिस के ऊपर जज करने मत लग जाना। मॉक टेस्ट के अंदर आप सीखोगे क्या, मॉक टेस्ट के अंदर आपको पता ये चलेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने देखना है रियल एग्जाम में पिक्चर क्या होती है ताकि मेरे अच्छे स्कोर्स आए। अब सैटरडे वाला दिन, ये तो सारा सेकंड वीक के अकॉर्डिंग चलोगे आप, सैटरडे वाला दिन, एंड वाला दिन, एक एग्जाम से एक दिन पहले कभी भी आपने अपने आप को जज नहीं करने लग जाना। जो पीछे हुआ है उसको रिमाइंड करो, सारे टेम्पलेट्स जो है वो रिमाइंड करिए, और हर एक चीज के बारे में याद रखने की कोशिश करिए कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अगर आप यहां पर अपने आप को जज करने लग जाओगे फर्स्ट टाइम के ऊपर, आप पीछे जो मेहनत की है एक दिन में कुछ नया करने लग जाओगे तो सारे आइडियाज भूल जाएंगे। हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि अगर हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जितनी मेहनत लगाई है वो सारी बेकार हो जाएगी। ये मैंने आपको बता के दिया है 3 वीक्स स्टडी प्लान, घर में आप प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट के जरिए, कभी भी आपने अपने आप को जज नहीं करने लग जाना। कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर कई बार आपको अच्छे स्कोर्स आते हैं लेकिन फिर भी रियल एग्जाम में अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाते। उसकी वजह क्या होती है कि कई मैंने ऐसी वेबसाइट देखी है थर्ड पार्टी की, समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में जब हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग मोर ओवर, यू हैव टू यूज कोमा बिफोर मोर ओवर एंड आफ्टर मोर ओवर विद स्मॉल एम। आपको मोर ओवर अगर बीच में लगाना है तो स्मॉल एम से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन कई वेबसाइट्स ऐसी हैं कॉमा लगा दिया, एम को वो बड़ा दिखा रहे हैं और कॉमा पीछे लगाया वो कह रहे हैं कि बड़ा लगाओ इससे, पर गलत है। कई बार आपने देखा होगा कि कॉमा ना आगे लगाया ना पीछे लगाया, वैसे ही मोर ओवर लगा दिया दो लाइन्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, फिर भी वो सही कह रहे हैं, वो भी गलत है। सो आपको यहां पर एक टीचर की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 1 वीक 2 वीक और 3 वीक्स के अंदर अंदर हम बच्चे को तैयार करते हैं। तो आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जहां पर हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। सिर्फ यूट्यूब और वेबसाइट के ऊपर बच्चे कई पास हो जाते हैं कई नहीं पास होते हैं। बार बार पेपर के ऊपर पैसे खर्च करने के बजाय क्यों ना आप एक अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो और पेपर निकाल दो। बेस्ट ऑफ लक।